स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। वैलेंटाइन डे की रात दो सहेलियों ने दी जान, ट्रेन से कटकर दोनों ने की थी खुदकुशी। 3 दिन बाद हुई शव की पहचान। भिलाई की रहने वाली दो किशोरियों ने वैलेंटाइन डे की रात ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। दोनों का शव इतना क्षत विक्षत हो गया था कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। भट्टी पुलिस ने शव को पीएम के बाद मर्चुरी में रखवा दिया था। 3 दिन बाद गुरुवार को दोनों शवों की पहचान यशोदा साहू 16 वर्ष और कुनी देवदास 17 वर्ष के रूप में हुई है। भट्टी टीआईके के कुशवाहा ने बताया कि मुंबई हावड़ा अपलाइन पर चंद्रा मौर्या टॉकीज के पास 14 फरवरी की रात 9 बजे दो लड़कियों की इंटरसिटी एक्सप्रेस से कटकर मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान कराई, लेकिन शव की हालत काफी खराब होने से उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सभी थानों में गुम लोगों की जानकारी मंगाई गई और उनके परिजनों से शव की शिनाख्त कराई गई। 3 दिन बाद सुपैला थाना अंतर्गत रहने वाले परिजनों ने दोनों शवों की पहचान की। परिजनों ने लड़कियों की पहचान उनके कपड़े से की। दोनों शवों की पहचान अवंतीबाई चौक सुपैला निवासी यशोदा साहू 16 वर्ष और वार्ड 15 गांधी नगर सुपैला निवासी कुनी देवदास 17 वर्ष के रूप में हुई है। जिन लड़कियों का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है वो आपस में सहेलियां थीं। दोनों सुपैला में एक कपड़ा दुकान में एक साथ काम करती थीं। परिजनों ने बताया कि रोज की तरह यशोदा और कुनी काम के लिए समय पर निकली थी, इसके बाद वापस नहीं लौटी है। पुलिस का कहना है कि वो परिजनों उस दुकान संचालक से पूछताछ करेगी, इसके बाद ही उनकी मौत का कारण पता चलेगा कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। पुलिस ने बताया कि दोनों शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, इसके चलते पुलिस अधिक पूछताछ नहीं कर पाई है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।